अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस देखिए, मैं सुबह उठते ही पहले जल्दी से शावर ले ली, क्योंकि आज हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं। सो गाइस, मैं यहाँ किचन में आ गई। ठीक है, आकर मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि हमारी दीदी क्या बना के रखे। तो ये है बेसन, उन्होंने बेसन बनाए थे और मेरे को अब रोटियाँ डालने का मन नहीं था, तो मैं चेक कर रही हूँ क्या क्या बना हुआ है। तो गाइस, मैं यहाँ जोर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ अभी, फिर बाद में खाऊंगी सोची थी। तो देखिए, चलिए मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा। तो गाइस देखिए, मैं आ गई यहाँ पे नमाज़ पढ़ के खाना खाने। तो यहाँ पर है बिनीस की फली, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, तो मैं यही खाने वाली हूँ। सॉरी गाइस, मैं खा रही हूँ, सो नहीं दिखाई। और मैं यहाँ पे चाय भी पी ली। और गाइस, मैं यहाँ पर रेडी होने तैयार हो गई, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं चार मीनार। तो ये व्लॉग आउटिंग का ही रहेगा कि हम लोग जाके वहाँ पे क्या ले रहे हैं क्या नहीं। तो खैर गाइस, मैं यहाँ पे बुरखा पहन ली और अब सनस्क्रीन लगा रही हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, एज़ मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आप लोग भी लगाया करिए सनस्क्रीन। तो गाइज़ देखिए, मैं सनस्क्रीन लगा ली, अब मैं दुपट्टा पहन रही हूँ। और गाइज, मैं यहाँ पे तैयार हो गई और मैं स्कार्फ पहन रही हूँ, तो मैं ओढ़नी अच्छे से बन ले रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और गाइज, मेरे बहना बोल रहे हैं कि मेरे को अब अपना बुरखा का कलर चेंज करना चाहिए। तो गाइज़ देखिए, परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी रहता कहीं बाहर गए तो मैं यहाँ पर स्प्रे कर रही हूँ अपने आप को। तो वेल गाइज, हम लोग ऑटो ले लिए और बीच में भागने करने में मेरे को रहता ही नहीं शूट करने का, तो हम लोग बैठ गए ऑटो में। गाइज, ये रहे दीदी और मैं, हम लोग आ गए थे गाइज चार मीनार, अंदर शूट नहीं कर सकती मैं, इसलिए नहीं ली वो शॉप में। तो खैर, हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। कुछ चीज़ मेरी यहाँ पे वॉश कराना था मेरे को, मेरा पुराना नेकलेस, तो आए हम लोग यहाँ पे। तो गाइज देखिए, हमारी दीदी यहाँ पे मेरे को गन्ने का जूस पिलाते हुए, तो हम लोग यहाँ गन्ने का जूस पीने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए, थोड़ा दीदी हमारे गिरा लिए थे, क्योंकि उन्होंने दो चीज़ें बैलेंस नहीं कर सक रहे थे सामान। तो खैर, आप लोग देख सकते हैं ब्यूटीफुल चार मीनार, और हम लोग यहाँ से अभी क्या लेना है वो देखने जा रहे हैं। तो हमारी दीदी को शूज़ पसंद आया था, क्योंकि वहाँ बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलते हैं, एज़ यू ऑल नो कि मैं बहुत सारे ब्लॉग्स बना दी चार मीनार के, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। तो गाइज देखिए, हम लोग यहाँ पे शूज़ ले रहे थे एंड सी द ब्यूटीफुल चार मीनार। तो गाइज, यहाँ पे हमारी दीदी पायदान ले रहे थे और मैं यहाँ पे चीज़ें क्या होना कुछ देख लेते ठहरी हुई थी। तो गाइज देखिए, हम लोग आ गए हैं पत्थरगट्टी। तो पत्थरगट्टी हम लोग गुलजार हॉर्स से पत्थरगट्टी पैदल पैदल आए, और ये मेरे, मैं अपने दीदी का हाथ पकड़े हुए, क्योंकि हम लोग पैदल चल रहे हैं। तो प्यास लग रही थी गाइज बहुत ज़्यादा, और धूप भी बहुत ज़्यादा है आज, और रोज़ ही रह रही शायद। तो हम लोग आज बाहर निकले तो हमको ज़्यादा दिख रही थी धूप। तो वेल, हम लोग यहाँ चलते चलते आगे गाइज दिख लेते क्या होना क्या होना बोल के, एंड मैं पानी भी ले ली गाइस। तो गाइस देखिए, हम लोग यहाँ पे आ गए, इससे पहले भी आप लोगों से शेयर करी थी, मैं यहाँ से ही लेते हम लोग पर्दे बोल के। तो ये है पत्थरगट्टी, और ये दुकान का नाम मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग दुकान में सीधा अंदर आते हैं, हमको नहीं मालूम, बहुत ओल्ड दुकान है। तो गाइस देखिए, हम लोग यहाँ यहीं से कपड़े लेते, मतलब पर्दे और बेडशीट्स लेते। देखिए, मेरा जो क्लच है वो जो ऐसा ख़राब हो गया, देखिए यहाँ से थोड़ा फट गया, आप लोगों को अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा नहीं मालूम। तो मैं वो ख़रीदने वाली हूँ इंशाल्लाह रमज़ान में। तो गाइस देखिए, मैं दीदी बैठे हुए हैं, उनको मैं हाय बोलूँ बोल रही हूँ, तो उन्होंने मेरे को हाय बोल रहे। और फिर हम लोग वहाँ से निकल के आ गए यहाँ पे सूट्स लेने, क्योंकि शाइनी के लिए सूट्स लेना था। तो हम लोग शाइनी के लिए सूट लेने आए थे यहाँ पे, शाइनी के लिए और हमारे छोटे आंटी के लिए। तो गाइस देखिए, हम लोग सूट्स ले लेके फिर चले गए थे, और फिर वापस यहाँ पे आ गए गुलजार हाउस, क्योंकि हमको यहाँ पे जो मैं नेकलेस दी थी ना वो लेने आना था। तो गाइस, हम लोग ऑटो ले चुके हैं और बैठ गए ऑटो में। तो आप लोग को ये दिखा रही हूँ, ये सिटी कॉलेज के सामने कुछ क्या एरिया है कि वो याद नहीं है मेरे को उसका नाम। तो वहाँ पे ऐसे रहते कबूतर, आप लोग दिख सकते। तो मैं लेना चाह रही थी तो मैं ले ली, शूट कर ली। सो गाइस देखिए, हमारे पास कितना सारा सामान है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी हम लोग बैठ गए ऑटो में, और थोड़ी देर में मगरिब होने वाली है। तो गाइस देखिए, मगरिब भी हो गई, ऑटो में इतनी ट्रैफिक है कि हमको पहुँचते पहुँचते कितनी देर होती मालूम नहीं, नियरली 1 आवर हो सकता। लगी,
गाइस मैं घर को आ गई थी और मेरे को बहुत भूख लगी थी, मैं खाना भी खा ली थी। फिर हम लोग गए थे ये रिंग ख़रीदने, तो मैं ये सब शूट नहीं कर सकी, इसलिए मैं आने के बाद घर बता रही हूँ आप लोगों को कि इन्होंने ये सिल्वर की रिंग खरीदे सेल्फ गिफ्ट बोल के खुद के। तो गाइस देखिए, मैं तो खाना खा लेके बाहर गई थी रिंग ख़रीदने शाइनी की, और ये लोग मैं खाना खाने के बाद बिरयानी ऑर्डर करके खा रहे हैं, और मैं नीचे से आते आते ये बर्फ़ का गोला लाई क्योंकि मैं मम्मी को चाहिए था। तो गाइस देखिए, अभी मैं ना बाद में मेरी दीदी से नाराज़ हो गई थी, फिर उनको ये ऑर्डर करो बोली थी मेरे लिए, तो मैं ऑर्डर करके ये खा रही हूँ मेरा फेवरेट बादाम की फिरनी, और टीवी देखते देखते। सो वेल दैट्स इट गाइस, ये व्लॉग इतना ही था, होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिए, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस हम लोग गए थे प्री रमज़ान शॉपिंग करने, क्योंकि बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते बोल के हम लोग अभी गए थे, और ये चीज़ें लिए, और दूसरे चीज़ें तो मैं बता नहीं सकती क्या लिए, क्योंकि वो तो बताऊंगी मैं रमज़ान में ही ना, तो जो जो भी लिए वो बता दिए, मतलब पर्दे और बेडशीट्स ने बताए, बस दैट्स इट। सो गाइस, और क्या बोलना था मेरे को, 2000 years later. इतनी देर के बाद सोचने के बाद याद आ गई इसमें को कि मैं वो करवाई थी क्या, लेके जाकर उसको क्लीन कराई थी। मैं आप लोग ऑलरेडी बताए थे मैं मम्मी लोगों की तिरमनी रहती जो गले में पहनते, वो नवाबी स्टाइल होता, शायद नवाब्स क्रिएट करे थे वो, तो वो था हमारे मम्मी लोगों का 50-40 साल पुरानी थी वो। और मेरे को ऐसे हिस्टोरिकल ज्वेलरीज या हिस्टोरिकल चीज़ें बेहद पसंद है, मेरे को इतने पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं वो कब से की रखी हुई हूँ, मैं आंटी के पास भी था, और हमारे मामा को भी बेटियाँ हैं तो उन्होंने उनके भाई को दे देंगे बोल के मैं कब की मंग लेके रख ली थी उनसे कि हाँ मेरे को दे दो आप नहीं पहन रहे, तो बोल के कब की बहुत सालों पहले रख ली थी। तो अब उसको क्लीन कराने लेके गई थी मैं, और जो गुलजार हॉस्पिटल गई ना उसके लिए गई थी मैं, उसको क्लीन कराई, और परसों शादी भी थी मेरी कज़न की, तो जब सोची थी बट मेरा जाना हुआ नहीं, फिर कराना हुआ नहीं। खैर मैं दो कराई, वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कैसे दिख रहे हैं, क्या हुआ उसके साथ, कैसा करके दी उन्होंने, एंड वो दोज करा के नहीं, और वो एकदम एंटिक पीसेस है इतने साल पुराने, तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो वेल दैट्स इट गाइस, अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए, और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कैसा भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी जो जो चीज़ें नहीं दिखाई या फिर जो ली जो कराई, और ख़ासकर मेरी तिरमनी जो कराई बोली ना वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा हो जाता व्लॉग। सो गाइस वेल दैट्स इट, मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन खुद से प्यार करिए, खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके बाय बाय।